जयपुर से खबर, जहां छत्तीसगढ़ में विरासत टैक्स पर बवाल मचा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का विरासत टैक्स पर बड़ा बयान। घोषणा पत्र के जरिए कांग्रेस का हिडन एजेंडा सामने आया। लोगों की संपत्ति हड़प कर मुसलमानों को देना चाहती है कांग्रेस। अब देश की जनता कांग्रेस के बहकावे में आने वाली नहीं है। छत्तीसगढ़ में INGI गठबंधन के दल कांग्रेस के लिए मांगेंगे वोट। इस पूरे मामले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बड़ा बयान। कांग्रेस इस चुनाव में बुरी तरह से हारने जा रही है, इसलिए INGI गठबंधन के दल एकजुट हो रहे हैं। इसका लाभ कांग्रेस को नहीं मिलने वाला। जनता कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर रही है। अरुण साव ने इस तरह का बयान दिया है, क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। बात समझ में आ गई है कि बुरी तरह से कांग्रेस पार्टी हारने वाली है, जनता उन पर भरोसा नहीं कर रही है और इसलिए अब एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, पर इसका कोई लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलने वाला है। जनता ने मन बना लिया है, तय कर लिया है, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने और छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा सीटें नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने के लिए।